दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि क्या दाखिल खारिज ना हो पाने से आप किसी रजिस्ट्री करवा लेने से आप उस संपत्ति के मालिक नहीं रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले आज दो विषयों पर चर्चा है इसी वीडियो में और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत लोग इसी पर कमेंट्स करके प्रश्न पूछते हैं। जैसे आपने किसी वास्तविक मालिक से कोई बैनामा करवाया और दूसरा आपने किसी फर्जी व्यक्ति से कोई बैनामा करवाया। आपको नहीं पता है कि असली मालिक है या फर्जी व्यक्ति है। फर्जी व्यक्ति कौन हो सकता है? जैसे किसी मकान में कोई किराएदार है या लाइसेंसी है, उस व्यक्ति ने अपने को मालिक बताते हुए आपको एक बैनामा कर दिया और एक बिल्कुल जेन्यून पर्सन ने, जिसकी ही वो संपदा थी, उसने आपको एक बैनामा कर दिया। उन दोनों बैनामों को अलग अलग व्यक्तियों ने दाखिल खारिज के लिए तहसील में मुकदमा एक दाखिल किया म्यूटेशन का, और उनका वहां दाखिल खारिज एक व्यक्ति का हो गया, एक व्यक्ति का रिजेक्ट हो गया, या दोनों व्यक्तियों का किसी कारण से रिजेक्ट हो गया, कोई आपत्ति लग गई। तो अब जिस व्यक्ति को किसी लाइसेंसी ने या किसी किराएदार ने मालिक की हैसियत से वो मकान बैनामा कर दिया है, तो ऐसा व्यक्ति कभी उस मकान का मालिक नहीं हो सकता जिसने खरीदा है। उसका चाहे दाखिल खारिज हो जाए चाहे दाखिल खारिज ना हो, वो कभी उस मकान का मालिक नहीं होगा, क्योंकि उसको जिसने बेचा है वो स्वयं ही मालिक नहीं था। अब दूसरे बैनामे पर आते हैं। एक ऐसा बैनामा जो किसी जेन्यून पर्सन ने, माने बिल्कुल उसी व्यक्ति ने जिस व्यक्ति की वो लैंड है उसको बिक्री किया और आपने उसे खरीद लिया, विधिवत स्टाम्प लगे हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस में बैनामा हुआ है, तो आप उस बैनामे के आधार पर मालिक तो हो गए, लेकिन आपका दाखिल खारिज जब आप कराने गए तो कोई आपत्ति लगा दी गई किसी ने लगा दी, उसी के किसी परिजन ने या अन्य किसी व्यक्ति ने, उसकी वजह से आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाया। अब दोनों लोगों में फर्क है। जो असली व्यक्ति था उस व्यक्ति का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, फिर भी वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है। इस पर हनीबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, हिस्टोरिकल जजमेंट हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने लाइसेंसी से या किराएदार से या कोई फोर्ज्ड व्यक्ति खड़ा करके, ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि ए की जमीन है और ए की जगह बी को खड़ा किया गया, फोटो ए की लगी है, सिग्नेचर बी के हैं लेकिन ए के नाम से किए गए हैं, तो ऐसी जमीन बैनामा भी हो गई और मान लेते हैं दाखिल खारिज भी फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड तरीके से करा लिया गया, किसी अनुचित प्रभाव से करा लिया गया, तब भी वो व्यक्ति कभी उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता। वो अपने को ना समझे, जब भी कभी मामला आएगा तो 420, 467, 468, 471, 120B IPC या इसके जो नए सेक्शंस आ गए उनमें FIR दर्ज होगी, उसमें जो गवाह है उन पर FIR दर्ज होगी और ए के स्थान पर जिस बी व्यक्ति ने वो ऐसी डीड एग्जीक्यूट की है उसको भी पार्टी बनाया जाएगा, वो भी जेल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका रियल पर्सन से बैनामा है, इसीलिए जब भी आप जमीन मकान कुछ भी खरीदें तो आपको पता होना चाहिए कि इस जगह का स्वामी कौन है। उस स्वामी से आप खरीदते हैं तो आपका दाखिल खारिज हो अन्यथा ना हो आप ही उस जमीन के मालिक रहेंगे। आप बिना दाखिल खारिज के किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देते हैं तो वो तीसरा व्यक्ति मालिक हो जाएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम होना उतना आवश्यक नहीं है। इसको हनीबल सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में, एक केस की बात नहीं कर रहा हूं, कई केसेस में कहा है और ये रूलिंग बन गया है। इस संबंध में वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज हैं, लेकिन चूंकि मैं प्रैक्टिकली एडवोकेट हूं, रोज कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, रोज इस तरीके के केसेस देखता हूं। सिविल कोर्ट में आपके म्यूटेशन की वो वैल्यू नहीं है। आप हालांकि बताते हैं कि साहब इसके आधार पर हमारा म्यूटेशन है, हमारा दाखिल खारिज है, लेकिन आप उस लैंड के मालिक कैसे हुए, ये आपको बताना बहुत आवश्यक है। जब तक आप कोर्ट को ये सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तब तक कोर्ट नहीं आपको मालिक मानेगी। लेकिन जैसे ही आप कोई मूल बैनामा प्रस्तुत करते हैं और वो बिल्कुल रियल है तो आप उसके मालिक हैं, भले ही आपका दाखिल खारिज ना हुआ हो। ये एक टेक्निकल इरर हो सकती है, आप नहीं जा पाए, आपने देख नहीं पाया, और भी कोई कारण है, लेकिन एज ए ऑनर आप उस पर काबिज हैं, आप उस प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी पर इंजॉयमेंट ले रहे हैं, इंजॉयमेंट का मतलब होता है अगर मकान है तो आप रह रहे हैं, या आपने किराए पर उठा दिया है तब भी आपका ही पोजेशन है, किराएदार आपको किराया दे रहा है ना, इसलिए दे रहा है चूंकि मालिक आप हैं, आपकी संपत्ति है। कोई ऐसा नहीं हो जाता कि किराएदार वहां रहने लगा तो किराएदार की प्रॉपर्टी हो गई, ऐसे अगर हो तो अपने भारत देश में जो प्रधानमंत्री हो जाता है क्या उसका ही देश हो जाता है? नहीं, वो तो इसके टेनेंट हैं उतने दिन के लिए जितने दिन के लिए बनाए गए हैं, 5 साल, इसके बाद उनको हटना है, कोई दूसरा आएगा, अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो वही रहेंगे। इसी तरीके से आपका मकान है, आपने जिसको किराएदार रखा है वो किराएदार की ही हैसियत से तो रहेगा, वो निकाला भी जा सकता है। तो दोस्तों अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो कतई परेशान ना हो, आप अगर उसके रियल मालिक हैं तो रियल मालिक ही रहेंगे, और अगर किसी ने फोर्ज तरीके से, फर्जी तरीके से कोई बैनामा करा लिया है तो वो मालिक नहीं हो जाता, और चाहे भले ही उस बैनामे के आधार पर तीसरे को बेच दे तो तीसरा मालिक नहीं हो पाएगा। माने अगर कोई वस्तु चोरी की है, जैसे चोरी का कोई वाहन है तो वो चोरी का ही रहेगा चाहे उसको 20 जगह ट्रांसफर किया जाए, वही बात एग्रीकल्चर लैंड और जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे हाउस हो, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उन पर भी लागू होता है। आपका जेन्यून असली बैनामा है, आपने उसका पैसा अदा किया है, आप ही उसके मालिक होंगे। अब तब आप मालिक नहीं होंगे, पता चला कि आपने किसी अपराध से संपत्ति अर्जित की, पैसा इकट्ठा किया और उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो आपकी गैंगस्टर एक्ट में छीन ली जाएगी। तो दोस्तों मुझे ये जानकारी देना, इस पर मैंने भी 2 वीडियोस बनाए हैं, चैनल पर पड़े हुए हैं, चाहे उसको भी देख सकते हैं। तो हनीबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, उसका लिंक आप लोग देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।